छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज का वीडियो हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, आज की तारीख है 2 मई, क्योंकि अभी शाम हो गई और ईद का चांद निकल चुका है। तो अब मैं सोचा आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो भी है थोड़ा बहुत जो आज का दिखाऊंगा, फिर कल ईद का बनाएगी अपन, जो भी अपना साहिल भाई का जो भी ईद करेगा अपन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं चांद दिखा, तो जो दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है, निकल गया था थोड़ी देर पहले पर अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अभी आपको मैं बैक से दिखा था अपना चांद, दुकान के सामने रोड एकदम भारी दिख रहा है, तो आपको दिखा था मैं ईद का चांद। चांद अगर आपको दिख रहा है तो जूम करके दिखा था, एकदम फुल ईद का चांद निकले है। अभी देखते क्या है चांद निकलने के बाद, अभी जो भी करेंगे जो भी करूंगा आपको बताऊंगा, तो देखते बेटे था। चांद भी निकल गया, अभी हम लोग ने क्या है अपना कौन सा नो शुगर वाला कोक लेके आया और अपने समोसे खा लेते, उसके बाद देखते कुछ करना रहा तो करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो करते, तो पहले समोसे खा उसके बाद मिलते और आईपीएल देखते थे, समोसे खाता चलो। Hours later. अभी घर पे आया था दुकान भी बंद करके, तो आज मम्मी ने सरप्राइज दिया है, क्योंकि आज मम्मी ने लाई है KFC और मैकडोनल्ड्स दोनों लाई। आपको मैं बैग से दिखा था और वो खाता, तो मेरा तो पूरा नहीं, मेरा तो सिर्फ चिकन रैप है, तो फिर भी आपको एक बार दिखा था खुल के। इसमें KFC का बर्गर है, ये जो मैं नहीं खाता, ये मेरा चिकन रैप मैकडोनल्ड्स का, तो खोल के अभी आपको एक बार दिखा था बर्गर, ये चिकन के बर्गर है, ये KFC के और ये मेरा चिकन रैप, ये अभी खाते तो आपको एक बार टेस्ट करके दिखा था चिकन रैप। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सरप्राइज एरिया मेरा मैकडोनल्ड्स का चिकन रैप, जो इसके लिए मैं वेट कर रहा था, मम्मी ने सरप्राइज दे दी, तो एक बार टेस्ट करके देखता। मेरे लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि मेरे को एकदम पेट भरा हुआ लगता है। कितने का मम्मी, 250 वाला नहीं है, 205 का है। तो कहीं और क्या चीज, 205 में पूरा पेट भर जाता है, हैवी रोटी रहती है, उसके अंदर चिकन का रैप रहता है, तो ये खा लेते हैं। ये खाने के बाद मिलते हैं, अगर बर्गर मेरे को मिला तो बर्गर का भी टेस्ट करके दिखा दूंगा, तो ये खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। टेस्ट में मेरे को बहुत भारी लगता है, क्योंकि ये जो अपना चिकन रैप है मैकडोनल्ड्स का मेरा फेवरेट है। मैंने ना बर्गर पहले खाया था, अभी पप्पा ने खिला दे और भी खा रहा है, एक नंबर टेस्ट है। ये खा लेते हैं उसके बाद देखते क्या करेंगे, जो भी अगर बर्गर चुपके से बर्गर खाएगा अपन इनका, तो बर्गर का भी टेस्ट करेंगे, तो ये खाने का मिलते हैं। इसके अंदर की स्टफिंग देख लो, पूरा एकदम चिकन भरेला एकदम, तो देखते अभी KFC वाला बर्गर खाते है, उसका टेस्ट करते, जिंगर बर्गर है। KGF नाम आ रहा है, KFC का जो टैंगी फ्लेवर है बर्गर का जो आते है, वो अलग ही फ्लेवर है। दोनों KFC और मैकडोनल्ड्स का दोनों में अपने कॉम्पोजिशन है, पर दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे मस्त बर्गर है। तो ये खाएगा, खाने के बाद देखते क्या है क्या करेगी, ये खाने के बाद मिलते हैं अपन थोड़ी देर में, चल भाई। पैटी देखे जाए तो एक नंबर किसकी क्रिस्पी पैटी रहती है जिंगर बर्गर की, तो ये खा लेता, खाने के बाद अभी देखते क्या करेंगे। पेट वेट भर चुका है, पूरी हालत अवेट हो गई, जब बाहर का आता तो गले तक खा लेते, और अभी ठंडा मंगाए अपना हम सब ये पी लेता, पीने के बाद अभी देखते हैं, अगर रोड पे जाना हुआ तो रोड पे जाएंगे, जो करेगा आपको उधर से बता दो, तो मिलते हैं थोड़ी देर में रोड पे जाएंगे, जब मिलते हैं। अभी आया था रोड पे एकदम थोड़ा वॉक ही करने के में, और हमको कौन मिला मालूम है, हमारा साहिल भाई था खड़े ला, उधर सोहेल खड़े ला, बंदा देखी गई नहीं कैमरे में। चलो ठीक है, रोड पे अभी वॉक कर रहे थे, फिर अभी जाते हैं घर पे, रात के 12 बजे है, तो फिर डायरेक्ट कल मिलते, गुड नाइट, और डायरेक्ट कल से वीडियो कंटिन्यू करते, बाय एंड गुड नाइट। द नेक्स्ट डे सुबह सुबह आया बंदा देने के लिए, ठीक है, ईद मुबारक। मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले ईद मुबारक टू ऑल माय फ्रेंड्स वगैरह वगैरह जो भी है, और आपको भी ईद मुबारक, रमजान ईद मुबारक। तो गाइस सबसे पहले आज ईद है, तो आपने जब क्लिप में अभी क्लिप में रहेगा, आसिफ भाई आए थे अपने को देखे गए, क्या बोलते आए थे सामान पूछने के लिए, तो फिर अभी देखते हो जो 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 रहेगा आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो सोया था मैं, अभी भी हैंगओवर में हूँ, जैसे मजब जैसे आपको दिखा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं अभी अपन। अभी जैसे देखा अपने आसिफ ने देखे गए बिरयानी, अभी देखते जो भी करेंगे, जो भी करूँगा बताऊँगा, थोड़ी देर जाके थोड़ा लेटता हूँ अभी सोने का। ये A few moments later. तो ये उड़ गया एकदम फ्रेश हो गया, अभी कितना 11:30 बज रहे और नाश्ते में आ चुके हैं छोले भटूरे, आपको एक बार बैग से दिखा दे छोले भटूरे कैसे हैं। ये अपने छोले भटूरे ये खा लेते, ये खाने के बाद मिलते हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे तो देखते जो करूंगा फिर बताऊंगा, जो भी है थोड़ी देर बाद मिलते हैं। साहिल भाई का कुरमा दोनों ठीक है। शाम के 4 में नहा धो के एकदम रेडी वेडी हो चुका हूँ, तो गाइस अभी
भूख लग रही थी, खाना खाऊंगा अभी, क्योंकि सुबह से जो छोले भटूरे खाया था उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो खाने में आपको एक्सपेक्टली मालूम रहेगा। तो आज बिरयानी है अपने आसिफ भाई, बट टेस्ट करके देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी नहीं थी शक्ल से। ये लिया, तो गाइस एक नंबर बिरयानी बनी, क्योंकि इसका जो मसाला है एक नंबर है, पूरा टेस्ट भारी है। एक बार आप देख लो जैसे दिख रही है। हाँ, ये बिरयानी खा लेता, उसके बाद देखते क्या करना है, जो भी करूँ आपको बताऊँगा। अभी तो सबसे पहले बिरयानी खा लेता, भूख लग रही जोरों की, तो उसके बाद जो भी करेगा आपको बताएगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलो कोई नहीं, खाना पीना खा के रोड पे आ गया हूँ। तो गाइस धूप तो बहुत हो रही है, और क्या बोलते सामने रोड का भी काम चल रहा है, जो रोड टूट रहा है वो बन रहा है, अगर आपको दिख रहा है। हाँ एक बना काम वाम चल रहा है और मैं इधर बैठा हूँ। देखते हैं अगर आज कुछ प्लान बने तो कुछ, जो भी प्लान बताएगी आपको। अभी तो बैठा हुई हो, सिर्फ खाना खा के जो आया था, अभी दुकान में जाके बैठता अंदर, धूप देखो कितनी हो रही है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते, जो भी करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं तो आपको बताऊँगा, तो मिलते थोड़ी देर में, चलो बाय। तो गाइस अभी जा रहे हैं विनस थिएटर मूवी देखने के लिए, क्या मालूम कौन सी मूवी देखेंगे। आई थिंक उधर लगे लिए हीरोपंती 2, तो वही देख लेंगे। चलो टाइम पास, ईद खाली छोड़ने का नहीं है, तो ये ईद तो ऐसे मूवी में चली जाएगी, पर अगली ईद पे टाइगर 3 वो देखेंगे, सबसे बड़ी मूवी टाइगर 3। उसके बाद अभी देखते हैं, जाते हैं पहले देखते हैं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई थिंक खाली तो रहना मांगता है, जाते उधर मिलते। सोला है आपको थिएटर के अंदर का दिखाएंगे, क्या अंदर है भीड़ के लिए। हाँ आपको एक बार थिएटर अंदर का भी ब्लॉग दिखाएंगे। हर साल ईद में ऐसा भरा रहता है विनस, ये साल देखते क्या एक बार अभी। हर साल भरा रहता है सलमान खान की पिक्चर में। हाँ ये साल देखते भरा है कि नहीं देखते हैं भाई, सलमान खान ही क्राउड को लेके आता है कि नहीं। चलो देखते हैं अंदर जाके, एक बार उधर जाके पूछते हैं, उधर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हीरोपंती 2 का पोस्टर अभी अंदर जाके देखते हैं, हीरोपंती 2 इधर भूल बोले या धाकर और क्या बोलते हैं रनवे 34, जो अंदर जाके मिलते हैं। आ चुके थिएटर तो पूरा खाली लग रहा है, अभी अंदर जाते हैं, आपको दिखाते बैक से कैसा थिएटर का हाल चल रहा है। तो चलो अंदर चलते, मैं तो थिएटर वाले से एक ही गुजारिश करूँगा, यार टाइगर 3 का टीजर चला दे बस, वही वाला जो आया था। तो अभी अंदर जाते और आपको दिखाते कैसे है अंदर का सीन। जस्ट कम्प्लीट हुआ है हीरोपंती 2 का फर्स्ट हाफ, तो गाइस क्या बोलो, जो भी है जैसी भी है, अगर आपको देखने आना तो देखना हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मूवी देखने के लिए। थोड़ी बच्ची हो क्या, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी फर्स्ट हाफ हुआ है, देखते सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और कॉमेडी अभी देखते वही है, फिर अभी जाते अभी अंदर जाके मिलते सेकेंड हाफ में डायरेक्ट, सेकेंड हाफ होने के बाद डायरेक्ट मिलते। सही बताएं झूठ मत बताएं। तो गाइस मेरे को तो मूवी ठीक ठाक लगी, पिक्चर जब जान पकड़ती, जब वो AR रहमान का जो कवाली वाला गाना आता है, तो उधर से मेरे को पिक्चर थोड़ी अच्छी लगी। इंटरवल के बाद थोड़ी पिक्चर अच्छी है, तो इंटरवल ने पूरी पिक्चर में जान पकड़ लिया इंटरवल के बाद। तो गाइस अगर आपको देखने तो एक बार देख लो ना, देखने जैसी है क्या साहिल भाई, इधर एक बार देख लेना, देखो कैसी लगी। चलो ठीक है, मेरे को भी ठीक ठाक ही लगी, एक बार देखने जैसी है, एक बार आके देख लो ना। चलो अभी घर पे जाके बात करते बाद में, तो घर पे आके मिलते हैं। घर पे आ चुका हूँ, देख लिया द लेजेंडरी मूवी हीरोपंती 2। तो गाइस एक्चुअली तो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन देखे जाए, मेरे को पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो था था। तो गाइस मेरे को पिक्चर में कुछ जाने नहीं लगी, ओवर कॉमेडी ओवर एक्शन, तो कुछ नहीं जास्ती बोलूँगा नहीं पिक्चर के बारे में। अगर आपको देखना नहीं तो एक बार देख के आ जाओ, एक बार वन टाइम अगर टाइम पास होता नहीं तो। मैं तो पूरे टाइम मोबाइल ही देख रहा था, तो होपफुली यू लाइक द ब्लॉग। तो गाइस एक सिंपल सा सादा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश किया ईद का, तो गाइस होपफुली लाइक। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। जाने से पहले सबको ईद मुबारक बोलना भूल गया था, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।